हेलो गाइस, तो आज चलते हैं शाहीन किला, जो धरावी का माना जाना गार्डन है, जहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में आते हैं। लोग कॉलेज के और अदर पर्सन भी आते हैं यहाँ पे, जो बहुत मशहूर है धरावी में। शाहीन किला के नाम से बहुत मशहूर है ये गार्डन। तो चलते हैं, आज वहाँ का व्लॉग बनाते हैं। ये शाहीन किला जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पे बहुत यहाँ भी कॉलेज भी है। तो फाइनली हम शाहीन किला के गेट पे पहुँच गए हैं। देखिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं, और यहाँ पे काफ़ी तादाद में ऊपर चढ़ना पड़ता है, और ये बहुत ऊंचा है। देखने से बहुत कम मालूम पड़ता है, मगर इसमें चढ़ाई बहुत सारी है। और देखिए, हम किला के मेन गेट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे जहाँ पे भीड़ लगी हुई, वहाँ पे वॉचमैन बैठता है, जिसकी वजह से अंदर एंट्री करके ही अंदर जाना पड़ता है। बगैर एंट्री अंदर परमिशन नहीं है। तो देखिए, हम अंदर आ गए हैं, और चलिए चल के देखते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो हमें राइट साइड पे भूल भुलैया मिलेगा, और लेफ़्ट साइड पे पानी का फव्वारा है। मैं पहले आ चुका हूँ, और इसलिए मुझे मालूम है। यहाँ राइट साइड पे देखिए भूल भुलैया है, ये पानी का फव्वारा है, और राइट साइड पे देखिए ये भूल भुलैया है। लोग काफ़ी खेलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, अच्छा लगता है लोगों को। और चलिए आगे चल के देखते हैं। ये है अंदर जाने ऊपर जाने का रास्ता, और ये राइट साइड पे है नीचे जाने का रास्ता। और देखिए, सामने एक गैस कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। चल के आगे देखते हैं सीधा। पहले से काफ़ी बहुत बदल गया है। यहाँ दो रास्ते हैं, एक ऊपर जाने का रास्ता है पहाड़ पे, और एक नीचे जाने का रास्ता है, जहाँ पे बच्चों के लिए बनाया गया है खेलने के लिए, झूला है और बहुत सारे खेलने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, शाम में बैठते हैं, अपना बच्चों को लेके आते हैं, अपना टाइम पास करते हैं यहाँ पे। बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये, और बहुत पहले से हम ऊपर आ गए हैं। देखिए, यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। हम आपको ऊपर चल के दिखाएंगे, बहुत प्यारा लगता है व्यू। ये बारिश की वजह से बहुत घना हो गया है ये। आगे चल के देखते हैं। संडे के दिन ये गार्डन में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग काफ़ी तादाद में आते हैं यहाँ पे। संडे के दिन बहुत बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है। आइए ऊपर देखते हैं चल के। देखिए, ये नीचे का है, जहाँ से लोग पहले आते थे चढ़ के, मगर अभी जंगल पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया है। कपल के लिए भी अच्छी जगह है, कपल भी काफ़ी कॉलेज से छूटने के बाद यहीं आते हैं, और नहीं ज़्यादा जिसको बंक करना रहे तो वो भी यहीं आके बैठते हैं। कपल के लिए बेस्ट प्लेस है ये। देखिए, बहुत पुराना किला है। इसमें पहले पानी भरा रहता था, अभी तो सूख गया है, नहीं इसमें बहुत पानी रहता था। ये देखिए व्यू, देखिए सामने
सामने जो दिखाई दे रहा है वो चूना भट्टी है। ये वडाला साइड का है, मेट्रो दिखाई दे रही है, मेट्रो मोनो रेल का ब्रिज दिखाई दे रही है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। अच्छी जगह है, लोगों को आके देखना चाहिए एक बार यहाँ का, यहाँ आके देखना चाहिए लोगों को। ये देखिए ये चूना भट्टी है, आपको जो ब्रिज दिखाई दे रही है बैंड्रा, ये बैंड्रा सीधा यहाँ से बैंड्रा निकली है। पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है ये गार्डन, पहले बहुत साफ सुथरा था, अभी थोड़ा बारिश की वजह से हर जगह पेड़ पौधे हो गए हैं, नहीं तो बहुत साफ सुथरा था। ये देखिए, और आपको हम यहाँ दिखाते हैं बैंड्रा सीलिंग, जो यहाँ से भी दिखाई देता है बैंड्रा का सीलिंग। आइए दिखाते हैं, देखिए बैंड्रा का सीलिंग यहाँ से भी दिखाई देता है बैंड्रा का सीलिंग। फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ फ़ोटोशूट के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं फ़ोटोशूट के लिए। अच्छी जगह है, लोगों को आके देखना चाहिए। देखिए नीचे का पहले एकदम साफ़ सुथरा था, बारिश की वजह से देखिए कैसा घना हो गया है जंगल। देखिए लोग जान पर कैसा खेल रहे, देखिए लोग कैसा खड़े हैं। अगर हल्का सा भी पैर इधर उधर हो गया तो सीधा नीचे गिरेंगे, चोट भी लग सकती है इन्हें, पैर हाथ भी टूट सकता है। देखिए लोग कैसा कैसा, इसे देखिए कैसा बंदरों की तरह चल रहा है। और देखिए यहाँ काफी लोग आ रहे हैं, ये नीचे का है। देखिए अभी हाँ 5 बजे तक कितना गर्दी हो जाएगी यहाँ पे। पूरा व्यू देखिए, वडाला है, वडाला का है पूरा व्यू। बिल्डिंगें दिख रही है ऊपर से, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम नीचे जा रहे हैं, पहले से काफ़ी बदल गया है, हर जगह घास उगाई है, रास्ता ख़त्म हो गया है, अभी रास्ता ढूंढ ढूंढ कर चलना पड़ता है। और ये देखिए बंद कर दिया है, पहले यहाँ पे लोग फोटो शूट करते थे, हम लोग खुद आते थे फ़ोटो शूट कराने के लिए, मगर अब देखिए यहाँ पे बंद हो गया है और शायद तोड़ भी दिए हैं। ये देखिए यहाँ हम खड़े होते थे वो तोड़ दिए हैं, और हर जगह से रास्ता बंद कर दिए हैं।
गार्डन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। चलिए चल के देखते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये नीचे जाने का गेट, वापस घर की तरफ जाने का रास्ता है। देखिए लोग कैसे संडे के दिन छुट्टी रहती है तो लोग आ रहे हैं। देखिए कपल लोग भी आए हुए बैठे हैं। गार्डन में बहुत सारी चेंजेस हो गई है। पहले वहाँ राइट साइड में गार्डन में एक अर्थ का बहुत बड़ा गोल जैसा रखा हुआ था, अभी उसको शायद हटा दिए तोड़ के। ये नीचे जाने का, वापस गेट की तरफ जाने का रास्ता है। देखिए कैसे लोग अब आ रहे हैं, लोगों का आने का टाइम हो गया है। अभी घर जा रहे हैं। ये देखिए गार्डन का मेन गेट है, ये मेन गेट है गार्डन का।